हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जनरली पॉइंट्स ये होते हैं कि जॉब्स के रिगार्डिंग या फिर सीवीज के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। बट आज कुछ अच्छा पॉइंट्स है कि जनरली हम लोगों को लाइफ में कैसे सक्सीड करना चाहिए। जनरल क्वेश्चंस है वो, क्या थिंग्स है जो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाती है, और हम लोगों को क्या अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगा। देखिए, जनरल एजुकेशन तो सारे लेते हैं, और यू नो कि आजकल सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम्स होता है कि एजुकेशन के बाद से जॉब लेना। हाँ, ये अच्छा है, बट कुछ चीज़ें ये हैं जो आपको कर लेना चाहिए एजुकेशन के टाइम पे, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करने में, जो कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपको रेडी टू चेंज होना चाहिए, जैसे कि ये सारी चीज़ें बदल रही है, और इसमें आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आज के ज़माने में पेपर्स वर्क हो रहे हैं, मे बी 2 ईयर 3 ईयर आफ्टर ये रिप्लेस हो जाएगा डिजिटल डिजिटलाइज फॉर्म में, तो पेपर वर्क भी रिड्यूस होगा। सो अपने आप को अपग्रेडेशन, रेडी टू चेंज योर सेल्फ, इट इज़ द वे टू ग्रो आवर सेल्फ, ठीक है। एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, ऐसा नहीं है कि आज सीख लिए हो गया। वी हैव टू कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है, और उसको से ट्रैक योर टाइम। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को ट्रेन करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने फुल डे का आप ऑब्जर्व कर कीजिए कि पूरा दिन में आपने किया क्या, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि यस, मैं अपने टाइम को कहाँ कहाँ दे रहा हूँ, और उससे ये मालूम चलेगा, बट टाइम वेस्ट नहीं होगा और चीज़ें आसान होती जाएगी, ठीक है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब समय निकलता जाता है, समय निकलने के बाद से मालूम, एक बार एनालाइज करते हैं कि पूरे दिन मैंने क्या किया, कुछ आउटकम आता नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट है तो पूरे दिन स्कूल्स गए, फिर आए, फिर नेक्स्ट डे वही एक्टिविटी। अगर जॉब में है तो फिर 9 to 5 9 to 6 गए आए, फिर सेम एक्टिविटी। बट चीज़ों को चेंज करना है, ये हम लोग का मेन फोकस होगा। और ट्रैक योर टाइम हो गया, तो उसके बाद से सोशल इन्वेस्टमेंट। सोशल इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टमेंट टू ग्रो योर सेल्फ, बिकॉज सारे लोग मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ों से कट जाते हैं, ठीक है। सोशल 9 to 6 जॉब गए आए, फिर नेक्स्ट डे वही। कुछ अपने टाइम्स को निकाल के कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ मिलना, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना, उसके बाद से अपने ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और लास्ट थिंग तो नहीं बोलूँगा, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी में जैसा कि योगा हो गया, रनिंग हो गया, मॉर्निंग के टाइम में एटलीस्ट 10 मिनट्स to 15 मिनट्स योगा कीजिए, और उसके बाद से रनिंग 10 to 15 मिनट्स, इट्स इनफ। होल डे आप बैलेंस रहिएगा और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे चेंज होने लगेगी, तो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू चेंज योर सेल्फ। सो दीज आर द सम बेसिक टिप्स जो आई थिंक 90% ऑफ द पीपल मोस्ट डू डज नॉट डू दिस थिंग। सो वी हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड वी हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। दिस इज द ओनली की टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, 10 ईयर्स के स्टडी एटलीस्ट, 20 20 ईयर्स तो एटलीस्ट ग्राउंड टू बी बैचलर्स लेके हो ही जाता है। 10 ईयर्स 10th क्लास तक, फिर कंपटीशन तैयारी करना 8 साल, वो 18 ईयर्स पूरा टोटल स्टडी। देन आफ्टर
3-4 ईयर्स का ये एक्सपीरियंस वर्क का, तो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर एक बार आपने कुछ भी कर रहा है, अपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा है ना, तो बाद में मुश्किल से होते जाता है। ठीक है, तो इट्स टाइम टू बिगिन और आप इसको कीजिए। सो थैंक्स अलॉट टू एवरीवन।